दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 10 मई 2022 है। आज मैं अपनी ओल्ड स्टाइल में अपना संभाषण दे रहा हूँ, वीडियो तैयार कर रहा हूँ। कल मुझे एक भाई ने, आज के देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, कल मुझे एक भाई ने कमेंट किया, मंगल जी हमें तो आपके वीडियो रोजाना चाहिए और ये कॉफ़ी पीते पीते चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप लोग कॉफ़ी पीजिए, आप सभी का स्वागत है आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। उसके इस छोटे से कमेंट से यह समझ लो मेरे में एक शक्ति का संचार हो गया, प्रेम भरे कमेंट से। अब एक दूसरा कमेंट था, वह भी खैर बुरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए यह सब कब होगा सर। बहुत दिनों से इस देववाणी को सुन रहे हैं, मैं अभी YouTube पर इस कमेंट का जवाब लिख रहा था। चाय पी लूँ भाई साहब? आप लोग भी पियो। बहुत ही टेस्टी चाय बनी, वो कॉफ़ी बनी है। एक भाई कह रहा था यार तुम ये याद नहीं रहता, चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय बोलते हो। क्या भाई साहब कितने दिनों से चाय पीते रहा हूँ, अब कॉफ़ी पीना शुरू किया है। गुलक्कड़ सा आदमी तो हुई। चलो आपका छोटा भाई हूँ, यदि ऐसा ही गुणवान होता तो मैं हवा में नहीं उड़ता, तभी तो पड़ा पड़ा अपने कमरे में गुटर गुटर कर रहा हूँ। चलो अपनी देववाणी का स्पीच तो दे लूँ। यह सब कब होगा सर? बहुत दिनों से इस देववाणी को सुन रहे हैं, मैं अभी YouTube पर इसका जवाब लिख रहा था। हमारे गांव में एक कहावत है, लोगों को चाहिए तुरंत बिल्ली का मुंह। देखो मैं ऐसी भाषा लिख रहा हूँ, आप मुझे माफ़ करेंगे। लोगों को चाहिए तुरंत बिल्ली का मुंह, लेकिन करना वरना कुछ नहीं। रिजल्ट्स ऐसे नहीं आ जाते, रिजल्ट लाने से आते हैं। भारत के लोग क्या करते हैं, इनके साथ कुछ भी करते रहो, ये मरे ही जीव हैं, मुर्दा जीव हैं, थोड़े बहुत जिंदा हैं तो वे नपुंसक हैं। कुछ उनमें से और एक कैटेगरी है, वे पागल हैं। कुछ हैंडीकैप्ड हैं, वे बेचारे करें तो क्या करें, उनको हजारों साल से बना ही ऐसा दिया गया। रिजल्ट्स ऐसे ही नहीं आते, ये प्रयत्न करने से आते हैं। किसी चीज़ का पेमेंट करने से आते हैं। एवरीथिंग इज इन नेचर, पे द प्राइस एंड गेट इट। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ है, उसकी कीमत दीजिए, लीजिए, चाहे आपको कैसी भी चीज़ चाहिए। भारत बहुत भटक गया। अब ये देखिए, मेरे को उदाहरण याद आता है, मैं कई बार इसे बोध देता रहता हूँ। पता नहीं जापान का स्वतंत्रता संग्राम था, लो और चाय पी लेता हूँ। या दूसरी कोई लड़ाई थी, इतना भूल गया। वहाँ के सैनिकों को लड़ते लड़ते आगे खाई आई,
अब उस लड़ाई के लिए उस खाई को से आगे बढ़ना जरूरी था। अब कैसे किया जाए, इतना समय था नहीं कि मजदूर उस खाई को भरें। रिजल्ट्स ये चाहिए, और जापान के लोगों ने खुद जिंदा उस खाई में कूद कूद कर उस खाई को पाट दिया कि हमारा शरीर चला जाए तो चला जाए, जान चली जाए चली जाए, हमारा देश नहीं हारना चाहिए, हम नहीं हारने चाहिए। और वे जीते। आज जापान या कोई देश दुनिया का सिरमौर ऐसे ही नहीं है, वह किसी वजह से है, प्रयत्न किए गए हैं। हमारे यहाँ क्या है, पूरे देश की असमत को लूट रहे, ईवीएम कर लो, कोई कुछ नहीं कहता। अरे इसमें हम कहाँ कहाँ आते हैं, सब करेंगे जो करेंगे, क्योंकि नहीं उसको नहीं पकड़ा तो फिर पुलवामा हुआ, फिर देश के लोगों ने कुछ नहीं किया, तभी सीए बना, यूआईपीए बना, इसीलिए किसान बिल आए कि ये कुछ करते तो नहीं है। हमें तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए, वह कोई दे दे, इसलिए पत्थरों पर ही टूट पड़ते हैं, भाई पत्थरों तुम ही दे दो। वाह भाई वाह, करने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी करने के लिए विचार चाहिए। सबसे पहले आपकी इच्छा चाहिए, आपका संकल्प चाहिए, ये इनके साथ चाहिए आपके एफर्ट्स, कुछ करने के लिए जो चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से होगा उसी से होगा, उसमें चाहिए एफर्ट्स। हाँ तो क्या फार्मूला हुआ, आपके विचार चाहिए, इच्छा चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, फिर चाहिए आपके एफर्ट्स, और चाहिए आपको M1P, M2P, M3P, मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर, तब जाकर कोई से किसी चीज़ का मेटेरियलाइजेशन होता है। ऐसी चीज़ें नहीं मिल जाती। हम चाहते हैं ओलंपिक मेडल्स मिल जाएं, कैसे मिलेंगे, अब मिलेंगे जब देश महान बनेगा, और हम उसी की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। आंधी तूफान आए तो आए, लोग मरेंगे तो मरेंगे, इसमें कोई क्या कर सकता है। कुछ करने के लिए चाहिए विचार, इच्छा, संकल्प, एफर्ट्स, विद मैन पावर, मनी पावर, माइंड पावर, देन इट इज मैटेरियलाइज। इसलिए हम अपने प्रयत्नों में लगे ही रहते हैं। सर्चिंग द ग्रेट एनलाइटेंड सोल्स, महान आत्माओं को ढूंढना, जागृत आत्मा को ढूंढना, ब्रेन को ढूंढना। इसलिए भाई हम तो अपने काम में लगे हुए हैं, और उसमें फिर लोग कहते हैं कि कहाँ है रिजल्ट तुम्हारे, इतने दिनों से चिल्ला रहे हो। हाँ भाई हाँ, इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी जो बोलती है, आप लोगों ने किराए पर ले रखा है, गिरवी रख रखा है, यह अपने हिसाब से रिजल्ट देगी, और ऐसे रिजल्ट देगी जैसे ये बोल रही है। तो क्या हुआ, कल शाम को देखो लोगों, भाई लोगों, शाम को 6 बजे एक हमारे जैसे और कार्यकर्ता अनुराग शर्मा जी ने एक गूगल मीटिंग का आयोजन किया, मैं भी उसमें इनवाइटेड था, हमने भी हिस्सा लिया आप लोगों की कृपा से। एक गूगल मीटिंग कल शाम को थी 6 बजे, इसमें डॉक्टर जगदाले साहब आए थे, ये अनुराग शर्मा जी थे खुद, तरुण कोठारी साहब थे, डॉक्टर तरुण कोठारी जिनको आप मीडिया में देखते हो, और एक मैडम सारण थी, बड़ी अच्छी मीटिंग रही, छोटी सी मीटिंग थी लेकिन मज़ा आ गया। कल शाम को ये किया, परसों शाम को क्या किया, हमने अपने टेलीग्राम ऐप पर 8 बजे मीटिंग रखी, जिसके संचालक थे हमारे मितेश जी मुंबई से, और उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट निकले।
उससे पहले हमने दो और सीनियर लीडर्स, सीनियर एक्टिविस्ट की, मास्टरमाइंड ग्रुप के सीनियर एक्टिविस्ट की मीटिंग थी, उसमें भी अच्छे रिजल्ट आए। उससे पहले हमारे एक नारी शक्ति ग्रुप, नारी शक्ति ग्रुप की मीटिंग थी। हम तो अपने प्रयत्नों में लगे हुए हैं, आप भी दोस्तों अपने अपने प्रयत्न चालू रखिए, रिजल्ट्स जरूर आए। अब दो तीन दिन बाद फिर हमारी मीटिंग होगी, डिजिटल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस। जो भी लोग इसमें हिस्सा लेना चाहें कृपया इसमें हिस्सा लें, अपने घर बैठे बैठे ही। यह एक बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपना योगदान दे रहे हैं। कौन जाने आज जो ये हलचल चल रही है, यह अपना एक रियल स्वतंत्रता संग्राम हो। अभी दो तीन दिन की मीटिंग के लिए जो अपने नाम नोट कराना चाहें करा दें। इसमें हमारा नंबर है 99 50 60 85 51, और हमारे नारी शक्ति ग्रुप की हेड मैडम स्वाति जी का नंबर है 940 62 37 957 940 62 37 957। हम तो अपने प्रयत्नों में लगे ही हुए हैं। हमारी जो परसों की मीटिंग थी, अवर थर्ड डिजिटल टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड यस्टरडे, कंडक्टेड डे बिफोर यस्टरडे ऑन 8th एट 8 PM टू 10 PM। इट वाज एक्सेलेंट, ये बहुत अच्छी थी। हम इसके पार्टिसिपेंट्स और पिछले दो तीन मीटिंग्स के पार्टिसिपेंट्स बताते हैं। इसके पार्टिसिपेंट्स थे श्री मितेश जी जो मुंबई से आते हैं, श्री मितेश जी जो मुंबई से आते हैं, एक डॉक्टर कुमार हैं, नहीं सॉरी डॉक्टर नहीं है, एक कुमार हैं जो दिल्ली से आते हैं। इन्होंने अपना पूरा नाम बताने से मना कर रखा है। एक शुक्ला जी हैं जो यूपी से आते हैं, एक वालाजी भाई साहब हैं वे भावनगर से आते हैं गुजरात से, एक गुरुदेव सिंह जी हैं ये मोहाली पंजाब से आते हैं, नीलकमल जी हैं ये वेस्ट बंगाल से हैं, एक मंगल हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक मैडम काजी हैं वे महाराष्ट्र से आई आती हैं, नहीं सॉरी एमपी से आती हैं शायद, उन्हें वे हिस्सा लेती रहती हैं, अशोक पटेल जी गुजरात से, कमलेश जी गुजरात से, मगन पटेल जी गुजरात से, और एक संजय जी हैं दिवाकर ये मुंबई से आते हैं, और ये विनीत जी हैं ये यूपी से आए, और लोक सेवक जी हैं एक ये जम्मू से प्रोफेसर हैं, वहाँ जम्मू से आए, एक हिदायतुल्ला जी हैं, हिदायत मुल्ला जी हैं ये महाराष्ट्र से आते हैं, और ये राहुल जी हैं ये दिल्ली से आते हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, ये दीपक माने, और भी बहुत से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ये हमारी मीटिंग्स ऑल इंडिया मीटिंग्स हैं। नेक्स्ट मीटिंग जैसा हमने आपको बताया दो तीन दिन बाद होगी, आप अपने नोट करा दें, नाम नोट करा दें। और इन मीटिंग्स में लोग ऐसे नहीं कि एक आदमी बार बार बोलता रहे, हिस्सा लेता रहे, टर्न बाय टर्न सबको नंबर दिया जा रहा है। इन सबका उद्देश्य बड़े कार्यकर्ता वक्ता बिग ब्रेन्स को ढूंढना है। बहुत से लोग छूट गए, उनका नंबर अब आ जाएगा। यदि इस इन कार्यक्रमों में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपने नाम नोट करा दें। इससे आपका व्यक्तित्व निखरता है, देश सेवा होती है, और भी सैकड़ों लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हम सीखते हैं और सिखाते हैं। दोस्तों सुन लो, इस दुनिया में बिना करे कुछ नहीं होता। हमेशा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रखो।
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रखो, इफ़ ए थिंग स्टेशनरी आर इन मूवमेंट विल रिमेन इन द सेम स्टेट टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई टू इट। हमेशा ध्यान रखो कि एक चीज गति या स्थिर अवस्था में है, एक चीज़ जो गति या स्थिर अवस्था में है वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। अब तक लोग कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिए जाते, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक क्षेत्र के लोग। यदि शाहीन बाग का मूवमेंट नहीं होता, किसानी बिल पास हो जाते और कुछ का कुछ हो जाता यदि वह मूवमेंट नहीं होता। लेकिन हमने जितने प्रयत्न करने चाहिए उतने नहीं किए। हम हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं, अरे वो बारात रोक ली, अरे वो कोई बेचारे भंगी चमारों का होगा, अपन को क्या मतलब, अरे भाई ये सीए बन गया, अरे ये तो उनके लिए बना है, अपन को क्या करना है यार, अरे किसान आंदोलन चल रहा है, हाँ या भाई किसानों का कुछ है यार, अपन को क्या लेना देना। हम सब अपने जाति धर्म में बटे हुए हैं, जहाँ देखो तो कोई भारतीय नहीं है, वह उस जाति का है, वह उस जाति का है। देश इसीलिए मात खा गया, देश में इसीलिए हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना सेकंड वेव देखो, कितने लाख लोग मर गए, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती 45 लाख, देश के चोर कर्णधारों ने बताया 4 लाख, 10-10 हज़ार के बिल को 5-5 लाख बना दिया, कितने लोगों की किडनी निकाल ली होंगी, यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि हम हैं इसी लायक, कोई प्रयत्न करता ही नहीं, अरे ये हमारे लिए थोड़ी है। और इस देश में जिसकी नौकरी लग गई, जिसके पास एक बार पैसा हो गया, जो एक बार सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में ऊपर चला गया, वो कहता है कि हमें क्या जरूरत है, वी आर किंग। इसलिए ये भयानक दावानल आ रहा है, यह उल्का पिंड सी आ रही है, ये भयानक लावा की नदी आ रही है, और ये किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बड़ी भयानक अवस्था हो जाएगी, फिर भी जितना समय बचा है लोगों प्रयत्न करो, यही अपने हाथ में है, वरना समय नहीं मिलेगा रोने के लिए भी, अपने खुद के बच्चे सामने तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये तो अब पता चला है कि इन शैतान लोगों ने जो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो किया, झूठी मूठी बीमारी को क्या कर दिया। 1.5-2 करोड़ इंजेक्शन लगा दिए, 150-200 करोड़ इंजेक्शन लगा दिए, और अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं ये नहीं लगा जाए, इट इज रॉन्ग। क्या होगा इस देश में, भयानक दावानल में हम सब स्वाहा हो जाने का चांसेस बन रही है। इसलिए हम कहते रहते हैं कि भगवान की प्रार्थना करो, प्रयत्न करो, घरों में घुसे मत रहिए, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मनी पावर में मैं इतना हिस्सा नहीं ले रहा, मैन पावर में मैं क्या करूँ, थोड़ा सा माइंड पावर और जितना भी है, अपने कमरे से बैठे बैठे ही चिल्लाता रहता हूँ, शायद कोई होस्ट बनी जाए। और यदि आपके पास एक भी मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर में से एक भी चीज़ है, तो ये तीनों ही एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, सहेलियाँ हैं, एक आपके पास है तो दोनों तीनों चीज़ें तो उसे ही देखकर आ जाएंगी। आपके पास में टॉप ब्रेन होना चाहिए, टॉप एफर्ट्स हों, टॉप कोई चीज़ होनी चाहिए, टॉप आपका संकल्प होना चाहिए, ग्रेट गोल होनी चाहिए, सारी दुनिया आपके कदमों में है, लेकिन हम लोग नकामे कुछ काम करते ही नहीं, सिर्फ आशा करते हैं, अरे ग्रेट पर्सनैलिटी, दैट पर्सनैलिटी इज कमिंग,
वह सबका उद्धार करेगी। ऐसा कभी कोई नहीं आता, न पहले आता था न आज आएगा। वह जो कोई निकलेगा वह आपके प्रयत्नों में से ही एक निकलेगा, जिसके लोग नंबर वन मानेंगे और उसी को ग्रेट ग्रेट सायरन बोल देंगे, वह भी आएगा। भारत महान बनेगा, वर्ल्ड लीडर बनेगा। लेकिन कहते नहीं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। इसलिए दोस्तों अभी करो, बैठे मत रहिए कह रहे देवाणी ये बोल रहे कुछ हो नहीं रहा। हाँ जी हाँ, देववाणी जनवाणी मंगलवाणी जानती है कि कब क्या होगा, होना चाहिए कि नहीं चाहिए, कितनों के लिए होना चाहिए। अवश्य ऐसा होगा, होगा तो ऐसा ही। आज ही उठिए और अन्याय अत्याचार का मुकाबला करिए, वरना आपके साथ बुरा होगा और बुरा हुआ पड़ा है। जिस देश में 45 सैनिकों की जिस ट्रेजरी का कोई आवाज़ नहीं उठाता, वहाँ क्या होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।